वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी बज रहे हैं 9 बज रहे हैं, तो बच्चे मेरे आज जल्दी उठ गए, तो इसलिए मैंने सोचा एक पहले हेल्दी नाश्ते से उनकी शुरुआत की जाए, फिर वो जो भी बोलेंगे मैं बना लूँगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या बना रही हूँ। दे दिया मैंने नाश्ता, अब चलो मिलती हूँ मैं नहाने और पूजा करने के बाद। बाय बाय, थोड़ी देर में मिलते हैं। मैं नहीं ये बोल रहा है, वो ना लिया, चले आप पूजा करेंगे। पूजा करके मिलते हैं फिर, ठंड बहुत लग रही है, पुलाव बनाएंगे। और कुछ नहीं बस, और फिर अपने काम में लग जाएंगे, बैक टू वर्क। ये बन रहे हैं घी में मखाने। ये इससे क्या डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव होता है, बोन्स को स्ट्रेंथ मिलती है। तो इसलिए मैं पहले उन लोगों के ऊपर एक कंडीशन अप्लाई कर देती हूँ कि तुम ये मखाने खाओगे बच्चों, फिर उसके बाद तुम जो भी बोलोगे मिलेगा। इंस्टेंट पुलाव का तैयार हो रहा है, इसमें सब मिक्स वेज सब कुछ है। हाँ, इसमें भाप हो रही है। ये राइस रखे हैं बस। ये पुलाव ही है। जब मैं शादी होके आई थी, ये बोलते थे मेरे से खाना बनाते नहीं बनता था। ये बोलते थे तहरी बनवाओ। तो कहीं ना तहरी है ना जी। और हम अपने बैकयार्ड में बैठे हुए हैं क्योंकि सामने बहुत दांत किटकिटाने वाली हवा चल रही, यहाँ भी चल रही है तो यहाँ कम है। और फिर मैं सोचा हीटर कब तक जलाऊँ, तो मैंने चूल्हा जलाया कि उसमें गर्मी मिलेगी धूप मिलेगी। फिर उसके सॉरी खाने लगी थी, फिर वॉइस क्लियर नहीं थी। पहले मैंने सोचा कि चूल्हा जलाती हूँ क्योंकि हीटर कब तक जलाओ यार, जल जाएगा, रॉड्स जल जाएगा। तो फिर उसके बाद हीटर चूल्हा दिखा तो चाय की भावनाएं जग गई। अब वो जल ही नहीं रहा, इतनी हवा है चारों तरफ, मुझे चाय पीनी है चूल्हे की। आपको पीनी है? हाँ हाँ बिल्कुल। कैसी बनी मेरी तहरी? अच्छी बनी। बस नॉब होता है ना, तो नॉब को धीरे और तेज कर रहे थे ऐसे। अब इसको कैसे करें, तो ये बोलते मेरे को बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है इसको आग को मेंटेन करना। तो मैंने अपने दिमाग की बत्ती जलाई, निकाल दो जब और जब हो तो वो कर दो, इसको डाल दो तो आग बढ़ जाती है। ऐसे करते हैं क्या? बोलो तो। हाँ मैं ऐसे करता। देखा मैं सीख गई ना, तुम कहते थे मैं नहीं कर पाऊंगी। सोनू, लेकिन पता है इसको सिर्फ आप इसी में देख सकते हो इसकी कैसी विधि होती है। मैं टेस्ट बता दूंगी, ये वो देखो मिट्टी का स्वाद है इसमें, मिट्टी का स्वाद। वही तो यार, हम अपने देवर जी को लालच दे रहे हैं। सोनो, हमने आपको भी ब्लॉग में ले लिया, देखिए हम अपने देवर जी को लालच दे रहे हैं। ब्लॉग कहाँ गया? बिहाइंड द सीन, ये है कैमरामैन। मेरी जिंदगी है तू, शर्म आ रही है? Cheers. गम है या खुशी है तू? देखो देखो पापा के एक्सप्रेशन में करो रिकॉर्ड, ऑफिस से आने के बाद टॉर्चर कैसे होता है। रिकॉर्ड करो पूछी। गम है या खुशी है और नहीं नहीं है। देखो, अरे मैं इतना अच्छा गाना गा रही हूँ, देखो ऐसे वाला। गम है या खुशी है तू मेरी जिंदगी। देखो ये करेक्टली ये एक्सप्रेशन मेरे और पापा चल लिया। रोक दो।